हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के फेमस एसे शूटिंग एन एलिफेंट की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इसमें जॉर्ज ऑरवेल ने हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि जब वो बर्मा में पोस्टेड थे और उन्हें एक एलिफेंट को मारने के लिए गाँव वालों ने बुलाया था तो उन्हें कैसा महसूस हुआ था। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस ऐसे को जॉर्ज ऑरवेल ने 1936 में लिखा था और इसे पहली बार पब्लिश किया गया था लिटरेरी मैगजीन न्यू राइटिंग में। और जैसा मैंने आपको बताया कि शूटिंग एन एलिफेंट हमें बताता है कि किस तरीके से जिन लोगों के पास पावर होता है वो कैसा बिहेव करते हैं जब उन्हें ये पता होता है कि उन्हें देखने वाली एक ऑडियंस मौजूद है उनके सामने। तो वो बता रहे हैं कि कैसे हमारा जो बिहेवियर है वो किस चीज़ से प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा। तो जो हमारा बिहेवियर है वो इससे प्रभावित नहीं होता कि हम क्या करना चाहते हैं या हमें क्या लगता है कि सही चीज़ क्या है, बल्कि हमारा जो बिहेवियर है वो इससे निर्धारित होता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अदर्स, व्हाट विल अदर्स थिंक ऑफ अस। तो यहाँ पे जो एलिफेंट है वो इस स्टोरी का एक मेन सिंबल है, सेंट्रल सिंबल है, और उस एलिफेंट के ज़रिए ही ऑरवेल हमें कॉलोनाइलिज्म के इफ़ेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि कॉलोनाइलिज्म की वजह से, यानी जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया तो उसके बाद कॉलोनाइज्ड यानी इंडियंस के ऊपर तो उसका असर हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स के ऊपर उसका कितना ज़्यादा खराब असर हुआ और कैसे इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने अपनी ही आज़ादी को खो दिया, इसके बारे में बताया है। तो जो एलिफेंट है वो यहाँ पर कॉलोनाइज्ड पॉपुलेस यानी कि जो जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिनके ऊपर कब्जा कर लिया गया है और जिनकी लिबर्टी, आज़ादी को छीन लिया गया है, उसका प्रतीक है। और वो जो एलिफेंट है वो जब वॉयलेंट हो जाता है तो उसे शैकल्ड यानी कि उसे जंजीरों में बांध दिया जाता है और लास्ट में मार दिया जाता है। तो जो एलिफेंट है वो यहाँ पर उन कॉलोनाइज्ड पॉपुलेस यानी उन लोगों का प्रतीक है जिन्हें कॉलोनाइज कर लिया गया है, जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। अब चलिए हम लोग इस ऐसे की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। सो जॉर्ज ऑरवेल एक बार सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर का काम कर रहे थे बर्मा की एक ब्रिटिश कॉलोनी में, यानी ब्रिटिशर्स ने बर्मा के ऊपर कब्जा कर रखा था, वहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल की पोस्टिंग थी। बिकॉज ही इज़ ए मिलिट्री ऑक्यूपायर ही इज़ हेटेड बाय मच ऑफ द विलेज। अब क्योंकि वो ब्रिटिश का एक हिस्सा थे इसलिए पूरे गांव वाले उन्हें बहुत ज़्यादा नफरत करते थे उनसे। दो द बर्मीज नेवर स्टेज अ फुल रिवोल्ट दे एक्सप्रेस देयर डिसगस्ट। तो जो बर्मीज लोग थे वो कभी रिवोल्ट नहीं करते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ या जॉर्ज ऑरवेल के खिलाफ, लेकिन वो टाइम टाइम पर ऑरवेल को हमेशा ताने देते रहते थे। और इस वजह से ऑरवेल दो तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं इस सिचुएशन के लिए। तो पहला तो एक ये था कि उनके रोल की वजह से वो अपने ही ब्रिटिश साथियों से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे, क्योंकि वो देखते थे कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने सब्जेक्ट्स यानी जो लोग हैं उनके साथ कितना ज़्यादा इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो कॉलोनाइज्ड लोग हैं जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया उनके साथ वो कितना ज़्यादा अत्याचार करते हैं। और दूसरा उनका ये रिएक्शन था कि वो लोकल लोगों से नफरत करने लगे थे क्योंकि लोकल लोग उन्हें बार बार ताने देते थे। सो ऑरवेल जो हैं वो दो चीज़ें करने में फंस गए थे। पहला तो एक ये था कि वो किसी तरीके से ब्रिटिश राज के इस अत्याचार को, अनब्रेकेबल टायरनी को तोड़ना चाहते थे और कहीं ना कहीं वो इसे कंसिडर कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो उन ट्रबलसम विलेजर्स में से एक को मार देना चाहते थे क्योंकि वो विलेजर्स उन्हें परेशान करते थे। सो इन दो चीज़ों में वो फंस गए थे। एक तरफ ब्रिटिश राज को कंसिडर भी कर रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा अनब्रेकेबल टायरनी है यानी ये लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो उन परेशान करने वाले विलेजर्स में से एक को मार देना चाहते थे और सोचते थे कि अगर मैं किसी को मार दूं तो ये बहुत ही बड़ा जॉय होगा मेरी लाइफ का। वन डे एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस। तो एक दिन एक इंसिडेंट हुआ और
दैट शोज ऑरवेल द रियल नेचर ऑफ इंपीरियलिज्म. उस इंसिडेंट की वजह से, उस घटना की वजह से ऑरवेल को इंपीरियलिज्म का असली मतलब समझ में आ गया. यानी जब एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा करता है उसे हम इंपीरियलिज्म कहते हैं. उसका क्या असर होता है ये ऑरवेल को समझ में आ गया. तो एक डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट होता है, यानी एक पाला हुआ एलिफेंट होता है जो अपनी चेन्स को तोड़कर भाग गया होता है और गांव वालों की प्रॉपर्टी वगैरह को बर्बाद कर रहा होता है. और सिर्फ एक ही इंसान उस एलिफेंट को कंट्रोल कर सकता था, वो था उसका माउथ, यानी जो उसके ऊपर सवारी करता है. लेकिन वो माउथ किसी दूसरे डायरेक्शन में उसे ढूंढने चला गया था और अब वो 12 घंटे के पहले उस स्पॉट पर वापस नहीं आ पाता. उसके बाद ऑरवेल आस पड़ोस में उस एलिफेंट की तलाश करने लगते हैं. द नेबरहुड्स इनहेबिटेंट्स गिव सच कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स दैट ऑरवेल नियरली कंक्लूड्स दैट द होल स्टोरी वॉज अ होक्स. तो सारे लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा ऊटपटांग बातें कर रहे होते हैं कि ऑरवेल को लगता है कि ये बस एक होक्स है, यानी कि ये बस झूठी अफवाह है कि यहाँ पर कोई हाथी आया हुआ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं. लेकिन उसके बाद फिर उन्हें एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है और वो देखते हैं कि कूली, कूली का मतलब होता है लेबरर, जो अपने हाथों से काम करते हैं ऐसे लेबरर. सो उनमें से एक जो लेबरर था वो ज़मीन पर पड़ा हुआ छटपटा रहा था, क्रश किया हुआ, और उसकी चमड़ी तक उधेड़ दी थी उसी एलिफेंट ने. तो तभी ऑरवेल जो है वो अपने एक साथी से कहते हैं कि जाओ और एक गन लेकर आओ मेरे लिए, ताकि मैं इस एलिफेंट को शूट कर सकूं. सो ऑरवेल का जो साथी होता है वो गन लेकर आता है और जो लोकल्स होते हैं यानी लोकल लोग, वो बताते हैं ऑरवेल को कि वो जो हाथी है वो एक पासी की फील्ड में है. ऑरवेल वहाँ तक चलकर जाते हैं और एक उनके पीछे पीछे वो जो लोकल लोग थे वो भी उनके पीछे जाते हैं. जो लोकल लोग थे, टाउन्स पीपल थे, उन्होंने कभी गन को नहीं देखा था और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि चलो देखें कि उस हाथी को कैसे शूट किया जाता है. लेकिन ये सब देखकर ऑरवेल थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो गन मंगा तो ली थी लेकिन वो उस एलिफेंट को शूट नहीं करना चाहते थे. उसके बाद फिर वो सभी लोग देखते हैं कि जो एलिफेंट होता है वो उस फील्ड में आराम से घास खा रहा होता है और वो काफ़ी शांत हो चुका था, वो कुछ कर भी नहीं रहा था. और इसीलिए ऑरवेल रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें उसे नहीं शूट करना चाहिए. बिसाइड शूटिंग अ फुल ग्रोन एलिफेंट इज़ लाइक डिस्ट्रॉइंग एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इतने बड़े हाथी को मारना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने जैसा है. तो उसके बाद फिर वो वहाँ पर जो जमा हुए थे लोग उनकी तरफ देखते हैं, जो अब हज़ारों की संख्या में वहाँ मौजूद थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑरवेल किसी भी समय उस एलिफेंट को शूट कर देंगे. और ये सब बिल्कुल ऐसा था जैसे कि कोई थिएटर का परफॉर्मेंस होने वाला था. यानी वो सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ऑरवेल हैं वो उस हाथी को शूट करेंगे. द ट्रू कॉस्ट ऑफ वाइट वेस्टर्नर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ओरिएंट ऑरवेल रियलाइजेस इज द वाइट मैन्स फ्रीडम. और उसी क्षण ऑरवेल रियलाइज करते हैं कि जो ये वाइट वेस्टर्नर्स यानी ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने ओरिएंट यानी जो एशिया के लोगों को बंदी बनाया हुआ है, उनके ऊपर उन्होंने राज कर रखा है, उस वजह से वाइट मैन की खुद की फ्रीडम ही खत्म हो चुकी है. वो अपनी मर्जी से काम ही नहीं कर सकता, वो बिल्कुल वही करेगा जो उसके सब्जेक्ट्स चाहेंगे यानी उसकी जो ऑडियंस चाहेगी. इस तरीके से जो कॉलोनाइजर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो अपने सब्जेक्ट्स के पपेट्स बन चुके हैं, अपने जिनके ऊपर वो राज कर रहे हैं उन लोगों के वो कठपुतली बन चुके हैं. ऑरवेल हैज टू शूट द एलिफेंट और एल्स ही विल बी लाफ्ड एट बाय द विलेजर्स. तो तभी वो रियलाइज करते हैं कि अगर वो साथी को शूट नहीं करेंगे तो सारे गांव वाले उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसेंगे और इस चीज़ को वो इनटॉलरेबल समझते हैं, यानी वो सहन नहीं कर पाएंगे कि लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं. और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उस एलिफेंट के पास जाएंगे और देखेंगे कि वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है. बट टू डू दिस वुड बी डेंजरस. लेकिन ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन थी और क्या पता इससे उन्हें गांव वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े. और इस तरीके की शर्मिंदगी से बचने के लिए ऑरवेल जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें शायद उस जानवर को मारना ही होगा. और वो उस गन से एलिफेंट के ब्रेन की तरफ निशाना लगाते हैं और फायर करते हैं. जैसे ही वो फायर करते हैं सारे जो लोग होते हैं वो एक्साइटमेंट के मारे चिल्लाने लगते हैं और जो एलिफेंट है वो अपने घुटनों पर गिर जाता है, उसे चक्कर सा आने लगता है. ऑरवेल फिर से फायर करते हैं और इस बार एलिफेंट का जो अपीयरेंस है वो और ज़्यादा ख़राब होने लगता है, वो गिरने लगता है.
और तीसरे शॉट के बाद तो एलिफेंट जोरदार हुंकार भरता है और जमीन पर ही गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो सांस ले रहा था। और ऑरवेल जो है वो फायर करते जाते हैं, लेकिन उन बुलेट्स का हाथी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, बस उसे दर्द हो रहा था। सो ऑरवेल रियलाइज करते हैं कि ये जो एलिफेंट है अब ये अधमरा हो चुका है, ना तो ये चलने फिरने लायक है, तो ये मूव करने के लिए भी पावरलेस है, और अब वो मर जाए उतना भी उसे अभी कष्ट नहीं हो रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं अधमरा हो चुका था। इसलिए वो एक और छोटी सी राइफल मंगाकर उसके गले में और ज्यादा बुलेट्स मारते हैं, लेकिन जब इससे भी कुछ नहीं होता तो वो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो उस हाथी को तड़पता हुआ नहीं देख पा रहे थे। और बाद में फिर कोई उन्हें बताता है कि उस हाथी को मरने में पूरा आधा घंटा लगा, और उसके बाद वो जो गांव वाले थे उन लोगों ने उसके शरीर का जो मांस था वो निकाल कर वो लोग ले गए खाने के लिए। ऑरवेल्स चॉइस टू किल द एलिफेंट वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल, तो उन्होंने जब उस हाथी को मार दिया तो काफी एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। जो एलिफेंट का जो ओनर था वो माहौत, वो काफी गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, लेकिन क्योंकि वो इंडियन था इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जो बूढ़े ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऑरवेल की चॉइस के साथ अग्री किया, लेकिन जो यंग ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि ये सही नहीं था कि एक एलिफेंट को मार दिया जाए जस्ट बिकॉज उसने एक कुली को मारा था, क्योंकि एलिफेंट जो हैं वो लेबरर्स या कुली से ज़्यादा वैल्यूबल, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऑरवेल नोट्स दैट ही इज़ लकी द एलिफेंट किल्ड अ मैन बिकॉज इट गेव हिज ओन एक्शंस लीगल जस्टिफिकेशन। तो ऑरवेल कहते हैं कि वो लकी थे कि उस एलिफेंट ने एक आदमी को मारा था, क्योंकि उसी वजह से वो अपने कार्य को एक लीगल जस्टिफिकेशन दे पाए, क्योंकि अगर उस हाथी ने किसी को मारा भी नहीं होता और फिर वो उसे मार देते तो शायद वो मुश्किल में फंस जाते। फाइनली ऑरवेल वंडर्स इफ एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स अंडरस्टूड दैट ही किल्ड द एलिफेंट सोलली टू अवॉइड लुकिंग अ फूल। तो फाइनली वो सोचते हैं कि पता नहीं उनके जो ब्रिटिश साथी हैं वो समझ पाए भी या नहीं कि उन्होंने उस एलिफेंट को बस इसीलिए मारा था ताकि कोई उन्हें एक बेवकूफ आदमी ना समझ ले। सो यहीं पर जो एसे है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको इसकी समरी समझ में आई होगी कि किस तरीके से जो कॉलोनाइजर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो दूसरों को बंदी बनाकर, दूसरों को कैद करके खुद अपनी ही फ्रीडम को गंवा रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।